हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ ऊपर वाले कर्म से। तो मैं यहाँ पे बर्तन धो रही, इसलिए अभी सर्दी ज़्यादा हो रहा है तो रात में धोने का मन नहीं करता। हम लोग का 12 बज जाता है खाना खाते खाते, तो मैंने सारा बर्तन रख दिया था। तो मैं सुबह में धो रही हूँ, अभी 10:30 बज रहा है तो लेट हो जा रहा है उठने में। क्या करूँ, ऐसा सर्दी का मौसम उठने का मन ही नहीं करता। तो मैं ये धो लूँ, फिर उसके बाद चाय वाय बनाऊँगी, जो नाश्ता करना है फिर नाश्ता करेंगे। तो मैं पहले धो लेती हूँ अपने सारे बर्तन। धोने के बाद ये देखिए उसके पापा है नाश्ता लेके। मैं कभी कभी नाश्ता नहीं बनाती हूँ, जैसे कि आज लेट में उठी तो वो बाहर से ही नाश्ता भाजी पूरी लेके आते हैं, तो वही हम लोग खा लेंगे। तो आयास को भी यहाँ उठा रहे कि वो भी उठ के हमारे साथ नाश्ता कर ले। वो थोड़ा उठ के थोड़ा सा ये करता है, दुलार दिखाता है, तो उठ के थोड़ा सा उसे गोदी में लेना पड़ता है, तो उसके पापा उसे लेके, ताकि उसका मूड फ्रेश रहे, वरना रोने लगेगा तो कुछ भी नहीं खाएगा। और उनके शॉप करीब में है तो कभी कभी वो आ जाते हैं नाश्ता करने, जब बाहर से लाना पड़ता है तो, वरना वो नाश्ता करने नहीं आते, सुबह ही में कुछ करके चले जाते हैं। तो अब नाश्ता कर लेते हैं हम, उसके बाद वही रोज़ का ज़िंदगी, जो खाना बनाता है बनाना है वो शेयर करूँगी मैं आप सबसे। ये देखिए उसके पापा लेके आए थे कद्दू, और मैं कद्दू चना दाल बनाऊँगी। तो मैं यहाँ अदरक लहसुन को छील रही हूँ, पहले मैं छील लेती हूँ, इसलिए मैं एक्स्ट्रा पीस के नहीं रखती हूँ। मैं रोज़ अगर मसाला वाला बनाना है तो मैं रोज़ ही छील के उसे मिक्सी में पीसती हूँ अदरक लहसुन को। तो यहाँ पे मैं जल्दी से ये कर रही हूँ, अगर बहुत लेट हो गया तो। यहाँ मैंने देखिए, जैसे कि मैं कद्दू चना दाल का सालन बना रही हूँ, तो मैंने कुकर में चना दाल को डाल दिया है बॉयल करने के लिए, और मैं यहाँ ऑयल को अच्छे से गर्म कर ले रही हूँ। करने के बाद ही मैं उसमें ज़ीरा डालूँगी, तो ऑयल भी थोड़ा गर्म हो गया है, तो मैं उसमें ज़ीरा डाल देती हूँ। और ज़ीरा थोड़ा सा भुन जाएगा, यानी हल्का हल्का उसका कलर चेंज होने लगता है, तो उसमें हम ये प्याज डाल देंगे। अरे कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाए क्या बनाए, रोज़ रोज़ एकदम परेशान होता है। हाउसवाइफ की ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि रोज़ क्या क्या बनाए। तो मैं ये आप लोग से ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी, बस यही था मेरा वीडियो आज। मुझे बहुत सारा काम करना है तो हर वीडियो मैं शूट नहीं कर सकती, तो यही आज मेरा सालन बनने वाला है फ्रेंड। खाना भी बन रहा है, पहले भी मैंने चना दाल कद्दू बनाया है इसलिए आप लोग से शेयर नहीं कर रही हूँ। तो मैं अभी पेस्ट में वही लगा जा रही जो मैंने वीडियो बनाया था। ये देखिए चावल और कच्चा मिल्क है, देखिए मैंने चावल को कितना ज़्यादा ग्राइंड करके रखा था, ताकि जितना भी है मैं इसे फ्रिज में 4-5 मिनट तक रख सकती हूँ, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं इसे ऐसे करके लगा लेती हूँ, 5 मिनट तक मैं इसे लगा के रखूँगी। मैं इसे रोज़ लगाती हूँ कि एक दिन भी कभी भूल जाती हूँ तो एक दिन छोड़ देती हूँ, एक दो दिन बाद में फिर मैं लगाती हूँ। बहुत फ़ायदा करता है, इसलिए मैं आप लोग से भी शेयर की थी, ताकि आप लोग ये ना समझें कि मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, जो मैं यूज़ करती हूँ उसी का वीडियो बनाती हूँ। खास करके ऐसे ही फालतू का कुछ भी नहीं बनाती मैं। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही तक था, मेरा सारा काम हो गया है, बस अब ये लगाऊंगी, फिर 5 मिनट के बाद मैं वो धोलूँगी। एक भी बच गया है तो प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं मेरे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ गुड बाय, टेक केयर, बाय।